ये आदमी एक्सीडेंटली इस पानी से भरे बाथ टब के अंदर गिर जाता है और ऊपर से हेयर ड्रायर भी इसकी तरफ आ रहा होता है। आदमी उससे बच पाता है, इतने में उसको एक जोरदार झटका लगता है और ये नीचे गिर जाता है। अब सुबह मेड घर पे आती है जो इस आदमी को उठा देती है। फिर ये जल्दी से अपने ऑफिस के लिए रवाना हो जाता है। बाहर आते ही महिला इसके लिए सीटी बजाकर एक टैक्सी बुलवाती है जिससे आदमी उसे थैंक यू बोलता है और बदले में ये महिला मन में इसे बोलती है कोई बात नहीं मेरे प्यारे पिल्ले। लेकिन आदमी को अब इसके मन की बात सुनने लगती है। फिर आदमी उसे कहता है आज मैं ऑफिस पैदल ही जाऊंगा और पीछे से वो महिला मन ही मन में उसे गालियां देने लगती है। अब आदमी घबराता हुआ आगे जाने लगता है। तभी उसे एक और महिला मिलती है जो अपनी कॉफी मशीन के बारे में बड़बड़ा रही होती है। आदमी अब पागल होने लगता है क्योंकि उसे हर एक महिला के मन की बात सुनने लगती है। दरअसल ऐसा उसे रात को इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से हो रहा था। वो हर एक महिला को घूरने लगता है। तभी दूर से बहुत सारी महिलाएं आ रही होती है। आदमी उनके बीच फंस जाता है और उनकी आवाज सुन सुनकर चिल्लाने लगता है, जिसके बाद वो दौड़ता हुआ अपने ऑफिस में जाता है और वहाँ पर वो एक लड़की से टकराता है जिसे वो बहुत ज्यादा चाहता है। लेकिन उसे पता चलता है कि दरअसल वो लड़की तो उसे स्टूपिड गधा समझती है।